लेकिन डांगी इतना बौखला चुका है कि वहाँ खुद 134 नंबर बूथ पे बस स्टैंड पे जो मदीना में मदीना के अंदर वो खुद 20-25 लोगों के मैं वहां देखने गया था ठीक चल रैक दी है और मेरे खुद आनंद सिंह डांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं अरे धक्के मरवाए हैं ये मेरा पीए है इसको इतना मारपीट की है देखो इसका मुंह बसारा ये उपड़ा हुआ इसमें ये हालात है उसकी हार की बौखलाहट आज वो फिर एक महमकांड कराने की सोच रखता है। मेरी अपने पूरे हलके के लोगों से सबसे अपील है कि आप शांति बनाए रखें इसकी इन बातों में ना के अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसी जो घिनौनी सोच इसकी है अपने बेटों को जिताने के लिए ये आपके बच्चों को मरवाने की तक की सोच रखता है तो इससे बचना है शांति पर भाईचारा बना के इस चुनाव को लड़ना है। मेरी अपील है पूरे हलके के लोगों से सभी भाइयों से बड़ों से छोटों से युवाओं से कि संयम रखें इसकी इस उसकी वजह से एक नया महमकांड की जो है ना यहाँ ना होने दें मेरी सबसे अपील है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।